प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, LBS राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। मैं आज BA पार्ट सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर के तहत हम देखेंगे कि सहयोगी संघवाद का वर्णन अथवा भारत में सहयोगी संघवाद की संक्षिप्त विवेचना। बच्चों, भारतीय संघीय व्यवस्था विशिष्ट है। सन 1947 से 1949 के काल में ये भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था। उस समय हमारे सामने संघीय व्यवस्था के तीन मॉडल विकसित हो रहे थे। पहला था सहयोगी संघवाद, दूसरा था एकात्मवादी संघवाद, तीसरा था सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था। यहाँ पर हम सहयोगी संघवाद से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें सामान्य और क्षेत्रीय सरकारों में आपसी में सहयोग हो, अर्थात एक प्रकार से उनमें आपस में सहयोग की भावना हो। क्षेत्रीय सरकारें सामान्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदानों पर निर्भर हों और सामान्य सरकार सशर्त अनुदानों के आधार पर उन विषयों के विकास को प्रोत्साहित करती हों जो संविधान के द्वारा क्षेत्रीय सरकारों को प्रदान किए गए हों। अर्थात बच्चों, जैसे आप समझ गए हो कि ऐसी सौदेबाजी ऐसे मतलब सहयोगी संघवाद जिसमें केंद्र और राज्य, सीधी भाषा में केंद्र और राज्य सरकारें आपस में सहयोग करके चलती हैं। जैसे और जो सामान्य यानी क्षेत्रीय जो सरकारें होती हैं उन सरकारों को आप जो भी दायित्व, जो भी उनको कर्तव्य, जिस भी प्रकार से वो जो सौंपे जाए वह ईमानदारी से केंद्र के साथ सहयोग करते हुए उन कर्तव्यों को पालन करते रहें और इस प्रकार से जो भी अनुदान उनको विषयों से प्रोत्साहन जो मिले उनको एक प्रकार से वह आगे बढ़ाते रहें और संविधान के द्वारा क्षेत्रीय सरकारों को प्रदान किए गए जो भी उत्तरदायित्व हैं उनको पूरा वहन करें। यहाँ सहयोगी संघवाद कहलाता है, यह सहयोगी संघवाद कहलाता है, यानी जिसमें आपस में एक दूसरे क्षेत्रीय सरकारें और जो स्थानीय सरकारें हैं वह आपस में सहयोग के आधार पर सहयोग करते हुए एक दूसरे का और वो आगे बढ़ें। सहयोगी संघवाद के अब देखते हैं हम लक्षण। सहयोगी संघवाद में संघ और राज्य के मध्य संघर्ष के स्थान पर सहयोग, समन्वय और अनुपम विनय पर जोर दिया जाता है। यानी सहयोगी संघवाद में मैंने आपको बताया संघ और जो राज्य होते हैं यानी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें, इनके बीच में आपस में सहयोग की भावना रहती है और किसी प्रकार इनके बीच में संघर्ष नहीं रहता है और वो समन्वय अर्थात अनुनय विनय, यानी अनुनय विनय आप समझते हो कि विचार विमर्श, और वो भी यानी विचार विमर्श हो और सहयोग हो और वह आपस में क्या है मतलब प्रार्थना अनुनय विनय यानी प्रार्थना वगैरह करते एक दूसरे का काम करते हों। दूसरा है आपात स्थिति में संघीय सरकार की स्थिति प्रधान और निर्णायक होती है। यानी जब कभी आपात की स्थिति हो, चाहे वह अनुपात 356 हो, 370 हो, 356 हो, 360 हो, 380 हो, कैसा भी, यानी सामान्य आपात, यानी जब राज्यों में किसी प्रकार की सरकार नहीं हो, यानी वहाँ स्थिति बिगड़ी हुई हो और सहयोग, यानी जब आपातकाल लग जाता है राज्यों में किसी भी प्रकार का, तो उसमें भी वे आपस में निर्णायक भूमिका अर्थात अपने सही ढंग से काम करते रहें। तीसरा है बच्चों, देश के समुचे धन का प्रयोग सभी क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए किया जाए। यानी क्षेत्र जो देश का समुचा देश के समुचे जो धन है, जितना भी जो धन है उसका प्रयोग, उसके प्रयोग का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपस में सभी में एक प्रकार से विकास हो। चौथा है संघ और राज्यों के परस्पर विवादों का निपटारा करने के लिए गोष्ठियों, सम्मेलनों, अंतर्राज्यीय परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों का सहारा लिया जाए। यानी संघ और राज्यों के बीच में अगर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है बच्चों, तो उसमें गोष्ठियाँ यानी आप आयोजित करते हैं, सभाएं आयोजित करते हैं, सम्मेलन बुलाते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद जो बनी होती है उस अंतर्राज्यीय परिषद का सहयोग लेते हैं और क्षेत्रीय परिषदों को सहारा लेते हुए उस संघर्ष को मिटाना चाहिए। भारत में सहयोगी संघवाद की स्थापना करने के में प्रमुख संस्थाएँ योजना आयोग,
राष्ट्रीय विकास परिषद और वित्त आयोग, अखिल भारतीय सेवाएँ और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि ऐसी संस्थाएं हैं जो सहयोगी संघवाद की प्रमुख संस्थाएं हैं। भारतीय संघवाद सहयोगी संघवाद तथा एकात्मवादी संघवाद का मिला जुला रूप है। तो बच्चों, आज के लिए अपना टॉपिक इतना ही, कल हम फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।